एनटीबी रेसिंग का दीवाना शो यामाटो अपने दोस्तों काकेरू और मकोटो के साथ बड़े ही रहस्यमय तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया एक्स जोन की अनोखी दुनिया में। अब अपने घर वापस जाने के लिए उन्हें इतने इडाटन बैटल्स जीतने हैं कि कम से कम 10 गोल्ड एम्ब्लेम्स मिल सकें। लेकिन अभी तो इनकी बाइक फ्लेम काइजर भी खराब हो गई है और उसे ठीक करने के लिए चाहिए एक एक्सपर्ट मैकेनिक। क्या इन्हें वक्त रहते वो मैकेनिक मिल पाएगा? गेटिंग बैक माई एमटीबी। ये बाइक तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके सारे केबल टूट चुके हैं, इसलिए तुम इसके गियर भी नहीं बदल सकते। पता नहीं अब इसे कैसे ठीक किया जाए। गियर नहीं बदलना क्या बाइक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ, बाइक को टॉप गियर में ढलान पर ले जाते हैं, लेकिन जब कहीं चढ़ाई करनी हो तब उसे लोअर गियर में ले जाना होता है। अगर सही वक्त पर गियर नहीं बदल सकते तब रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब है अब फ्लेम काइजर को सिर्फ वो मिस्टीरियस मैकेनिक ही ठीक कर सकता है जिसके बारे में वो मार्क्स राइडर कह रहा था। क्या बात है! देखो, जैसे ही मैंने ये बटन दबाया तो डिस्प्ले पर मैप नजर आने लगा। कहीं ये एक जोन का मैप तो नहीं है? हो सकता है, इससे तो लग रहा है कि शहर की ओर जाने वाली दो सड़कें हैं। सही कह रहे हो, और ये लाल रंग वाली सड़क वहाँ तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता है। हाँ, लेकिन ये लाल क्यों है? इसका क्या मतलब है? एक मतलब तो ये है कि ये छोटा रास्ता है। लाल रंग है लपटो का और वो फ्लेम काइजर का भी रंग है, मतलब ये सड़क मेरी है। ये सड़क मेरे और मेरे फ्लेम काइजर के लिए ही बनी है। मैं समझ गया। ये जरूरी है क्या? मुझे तो गलत लग रहा है। तुम तो कह रहे थे कि ये तुम्हारे और तुम्हारी फ्लेम काइजर के लिए है। लाल का मतलब खतरा भी होता है बेवकूफ, हमें उस दूसरी सड़क से जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी मेरी तरह बहुत खुश हो। ऐसा करो, तुम लोग कुछ पकड़ लो, अब देखो मेरा कमाल। नहीं, रुक जाओ, मत करो। तुम लोग ठीक तो हो ना? लग तो रहा है। मारे गए, इस बारे में किसने सोचा था? ये हुई ना बात, तुम लोग मेरे फंदे में फंस ही गए। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? नाम है टेरी द मेगाटॉन, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एमटीबी राइडर। सबसे खूबसूरत? हाँ, हम सबसे ज्यादा। हम सब लोग महान मिस्टर टेरी के साथी हैं। हमारे जितनी खूबसूरत एमटीबी टीम तुम्हें पूरे एक्स जोन में नहीं मिलने वाली। बिल्कुल सही कहा। हम हैं टीम बैंडिट। कौन? टीम बैंडिट? तुम लोग खुद को कैसे खूबसूरत कह सकते हो? और ये फंदा किस खुशी में लगाया था? तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे नादान पिद्दी मेरी खूबसूरती को समझ ही नहीं सकते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये है मकोटो, दुनिया की सबसे सुंदर और क्यूट लड़की, और ये एक लड़की है, इसलिए जमाल संभाल कर। अरे वाह, तुम्हारे पास तो ये बोलने वाला उल्लू भी है। लंच का टाइम हो रहा है, आज अगर लंच में उल्लू तंदूरी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हे हे हे। जाओ जमुरो, पकड़ लो उन्हें। ये हो क्या रहा है? ये देखिए बॉस, मुझे एक बड़ा शानदार खजाना मिला है। ये क्या देख रहा हूँ? कहीं ये वो लेजेंडरी प्लेटिनम एम्बलम तो नहीं है? उसे मुझे दे दो, वो मेरी बाइक है। क्या हाथ मारा है, कमाल की चीज है, मजा आ गया। उसे मुझे दे दो, वो मेरी है। उसे भी ले गए। ये तो मिस यूकी है ना?
मुझे डर था कि तुम लोग कहीं टीम बैंडिट से न टकरा जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। ये ठीक हो चुकी है, मगर आने में मैंने देर कर दी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मगर वो आखिर है कौन? मैंने आज तक कभी टीम बैंडिट का नाम नहीं सुना। वो लुटेरों की एक टोली है जो इस इलाके में आने वाले अनजान एमटीबी राइडर्स पर हमला करती है और उनके एम्बलम्स और बाइक पार्ट्स लूट लेती है। क्या वो भी किसी और दुनिया के हैं? क्या वो भी शो की तरह एक्स जोन में आकर फंस गए हैं? हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ से अपने घर वापस जाने के लिए वो दूसरे लोगों के एम्बलम्स छीन रहे हैं जो ठीक नहीं है। सच्ची? मगर चोरी करना गलत बात है, अगर वो चोरी कर रहे हैं तो हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, और उसने हमें नादान पिद्दे कहने की हिम्मत कैसे की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, और फ्लेम काइजर मेरे डैड की आखिरी निशानी है, मुझे उसे उनसे लेना ही होगा किसी भी कीमत पर। तब तो एक ही रास्ता है कि हमें दुश्मन के कैंप में घुसना होगा, तैयार हो? दुश्मन के कैंप में? वो वहाँ है जंगल के अंदर। अगर आपको वो जगह मालूम है तो चलिए हम अभी वहाँ चलते हैं। अरे रुको जरा, वहाँ जाने से पहले हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी वरना हम पिट जाएंगे। इसकी बात में दम है, वहाँ जाने से पहले हमें दिमाग लड़ाकर एक बढ़िया सा बैटल प्लान बनाना चाहिए। मगर इतना टाइम नहीं है। अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ। हाँ, तुम अभी कुछ मत बोलो। मुझे खाने दो भाई। हो, कमाल का दिन था, हमें आज एक प्लैटिनम एम्बलम मिला, ये बड़ी बात है ना? बहुत अच्छा दिन था। तो आज जश्न मनाएंगे, तुम लोग भी पेट भर के खाओ। यही उनका अड्डा है? ये प्लान सही नहीं है, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारी मदद करो। तुम चाहे जो भी कह लो, मुझसे तो ये सब नहीं होने वाला, माफ करो। ओ प्लीज प्लीज हुसुके, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? हमें तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज प्लीज। चलो ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा मकोटो, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी कर दूंगा। मुझे मालूम था। जानते हो आज मेरा मन कुछ अलग खाने को हो रहा है। आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी दावत। यूहू, पेश है उल्लू तंदूरी। ये तो वही उल्लू है, जाओ पकड़ो उसे, मैं आज उल्लू तंदूरी खाना चाहता हूँ, जाओ उसे लेकर आओ। तुमने टीम बैंडिट के इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे की? अब तुम टेरी द मेगाटोन से बच नहीं सकते। अभी तक तो तुम्हारा प्लान काम कर रहा है, दुश्मन को लालच देकर हमने उसे उसके ठिकाने से दूर भेज दिया है। हमारी ये चाल तो वाकई बड़ी कमाल की थी। बस दुआ करो कि होसुके कहीं उनके हाथ ना आए, वो उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। मैं उनसे काफी आगे हूँ। अरे नहीं, ये कौन है जो छिपकर गोले बरसा रहा है? गलती शायद मेरी ही है। वो रही मेरी फ्लेम काइजर। गनीमत है कि ये बिल्कुल सही सलामत है। मुझे इसका एम्बलम भी मिल गया है। सारे पार्ट्स इस डिब्बे में रखे हैं, चलो चलें। मिस यूकी कहाँ है? ये बाइक्स तो क्या बात है, ये वही बाइक्स हैं जिन्हें टीम बैंडिट ने लोगों से चुराया है। ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी बाइक्स चुराई गई थी, सब की सब। बड़े अजीब लोग हैं ये, जिनकी होंगी उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। अगर ये बात है तो हम इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, इन एमटीबीस को भी ले चलो, हम इन्हें इनके ओनर्स को वापस दे देंगे। ऐसे कैसे ले जाओगे? ये तो टीम बैंडिट है। तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते बच्चों, बिल्कुल नहीं। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ।
अपनी जगह से हिलना मत। अगर इन बच्चों की ओर देखा भी तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम याद रखोगे। तुम्हें पहले कहीं देखा है? मैं हूँ यूकी, एक मैकेनिक। तुमने मेरा नाम तो जरूर सुना होगा। तुम वही हो? क्या बात है, मैंने तुम्हारे बारे में और भी जाने क्या क्या सुना है। तुमसे मिलकर जो खुशी हो रही है वो मैं बता नहीं सकता। तुम वाकई बहुत सुंदर हो। मुझे मालूम है कि ये एमटीबी चोरी की हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें वापस कर दो। सॉरी, ये नहीं हो सकता। हमने बड़ी मेहनत से इन्हें चुराया है, ये अब हमारी है। ये देखिए बॉस। देखिए हम किसे पकड़ कर लाए हैं बॉस। हुसुके। सॉरी, मैं नाकाम रहा। टेरी द मेगाट्रॉन, बहुत हो गया। मैं तुम्हें डाटन बैटल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ अभी इसी वक्त। डाटन बैटल? अगर मैं जीत गया तो तुम ये एमटीबीज और होसुके हमें वापस कर दोगे। अच्छा, और अगर मैं जीत गया तो? अगर तुम जीत गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या? ये तो बेईमानी है। टेरी द मेगाट्रॉन, सुना है कि तुम खुद को बहुत बड़ा एमटीबी राइडर कहते हो। अगर ये सच है तो तुम इस बच्चे का चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हाँ बॉस, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? चलो ठीक है, वैसे भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। मैंने इन केबलों को काम के लायक बना दिया है, लेकिन बार बार गियर बदलने पर ये टूट भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। हाँ जरूर। आप ऐसे ही इतनी मशहूर मैकेनिक नहीं है। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा मिस यूकी। काश हम आपसे पहले मिले होते, तब शायद इतनी मुसीबतों में नहीं फंसते। मैं ज्यादातर भीड़ से दूर ही रहती हूँ। अगर लोगों को पता लग गया तो मैं बिजी हो जाती। मैं बहुत ध्यान से अपने क्लाइंट्स चुनती हूँ। वाह, आप वाकई कमाल की है। वो पेड़ है फिनिश लाइन। तुम रेस के लिए तैयार हो? बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये किस तरह की एमटीबी है? मेरी प्यारी बाइक है। इसका नाम है टेरी जूनियर जायंट। अजीब नाम है, इसे और कोई नाम नहीं मिला क्या? मैंने पहले कभी तीन पहियों वाली कोई एमटीबी नहीं देखी है। मैं अब तुम्हारे ही भरोसे हूँ शो, मेरी जान बचा लेना मेरे भाई। Let's go! तैयार हो जाओ फ्लेम काइज़र! जिस तरह से मेरे दिल में आग चल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन गो! मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि बार बार गियर ना बदलूं। अगर ऐसा किया तो रेस नहीं जीत पाऊंगा। ये क्या, ये तो एक चाल है। अरे नहीं, पानी हॉप, बहुत बढ़िया, मगर तुम जीत नहीं पाओगे। विदय, फिर से वही कांटे निकल आए। मैं तो चला। गो, 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 गो। फिर से उन फंदों का इस्तेमाल करा, ये तो चीटिंग है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नियम नहीं तोड़ रहा। बिल्कुल सही कहा, वो नियम अच्छी तरह से जानता है और उनसे बचते हुए अपना काम कर रहा है। वैसे भी वो काफी समय से यहाँ रेस कर रहा है काकेरू। मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, तभी मैं उसके करीब पहुँच सकता हूँ। शाबाश, वो सारे फंदों से बच निकला। लेकिन इस तरह से तो वो कभी जीत नहीं सकता। अपने ओपोनेंट पर फोकस करो, फोकस। मैं समझ गया, अब देखो तुम।
अगर मैं उसके ठीक पीछे रहा तो उन फंदों से बच सकता हूँ। बस मुझे उसके पीछे रहना है। अगर ये बात है तो तुम ही आगे चलो। देखा कैसा लगा तुम्हें? ये लो और भी लो। अब बस करो। अरे नहीं, उसका गियर केबल टूट गया है। अब जीत मेरी होगी, तुम यहीं पड़े रहो। नहीं, अब वो गियर भी नहीं बदल सकता और हाई गियर में वो पहाड़ी पर चढ़ भी नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। नहीं, अब मेरा क्या होगा? मैं तंदूरी उल्लू नहीं बनना चाहता। शाबाश, जोर लगा के तेरी ये मैं चला। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब बस एक ही रास्ता बचा है। ये क्या, अब वो नीचे क्यों जा रहा है? वो तो फिनिश लाइन से दूर जा रहा है, उसके दिमाग में क्या है? ये तरीका काम करेगा। कम ऑन क्या? ओ, मैं हार गया, ये नहीं हो सकता। सुनो, तुम ये रेस जीत गए हो, मैं एमटीबी से तुम्हारा उल्लू वापस कर रहा हूँ। और ये लो, ये तुम्हारे लिए है। नहीं, रहने दो, तुम्हें इसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से फ्लेम काइजर, होसुके और चोरी की एमटीबीज की ही डील हुई थी, तो तुम अपना एम्बलम अपने पास ही रखो टेरी। वाओ, तुम तो बड़े अच्छे हो बच्चे। मैं जल्दी ये सारी एमटीबीज इनके ओरिजिनल ओनर्स को वापस कर दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी आज के बाद इस तरह से चोरियां नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं, आज से चोरी चकारी बंद। तुम लोग सुन रहे हो ना? हाँ बॉस। अगर पता होता कि वो मिस यूकी का इतना बड़ा दीवाना है तो इस रेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो हमारे बीच एक प्रॉपर रेस होगी, क्या कहते हो? अगली बार मैं ही जीतूंगा। ओके, काम पूरा हो गया। थैंक्स अ लॉट मिस यूकी। तुम आगे से अपनी बाइक का पूरा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, मगर आपको डाटन बाइक के बारे में कुछ और पता लगा क्या? आप तो इसका ही पता लगाने गई थी, है ना? हाँ, मैंने कई एक्सपर्ट मैकेनिक से बात भी की है, लेकिन कोई इसके बारे में ज्यादा जानता ही नहीं। मगर मुझे लगता है कि फ्लेम काइजर के अलावा भी कई और डाटन बाइक्स होंगी। ऐसी कई और बाइक होंगी? बढ़िया, मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन है डाटन बाइक राइडर्स, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और शायद एक दिन मिल भी लूंगा। एक बात कहूँ, तुम्हें मिस्टर जेंटारो से मिलना चाहिए। वो कौन है? वो टायर बनाते हैं और वोल्केनो टाउन में रहते हैं। लोग उन्हें टायर क्राफ्ट मास्टर कहते हैं। सुना है कि वो इंपीरियल एक्स नाम की एक बाइक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वोल्केनो टाउन? इंपीरियल एक्स नाम की बाइक? हाँ, सुना है कि वो दुनिया की एक सबसे पावरफुल एमटीबी है। अच्छा, इसका मतलब है इंपीरियल एक्स असल में एक इडाटन बाइक हो सकती है। ठीक है, हम इनकी बात मान लेते हैं और मिस्टर जेंटारो को मिलेंगे। हाँ,
इस तरह से शो को उसकी फ्लेम काइजर वापस मिल गई। वो अपने दोस्तों के साथ वोल्केनो सिटी की ओर चल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसके साथ क्या होने वाला है,